कांग्रेस में पावर पॉलिटिक्स का गेम जारी है। पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत की असम से लिखी गई डिजिटल पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस की राजनीति गरमा दी और फिर धारचूला से विधायक हरीश धामी की नाराजगी ने आग में घी डालने का काम कर दिया। अब इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का भी करारा जवाब आया है। प्रीतम सिंह ने कहा है कि कोई भी कैसे भी चुनाव लड़ सकता है। असल में हरीश रावत समर्थक माने जाने वाले धामी ने भी रावत की ही तर्ज पर फेसबुक पोस्ट लिखकर प्रदेश कांग्रेस पर हरीश रावत की उपेक्षा का आरोप लगाया था। समझ नहीं पाया कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में इस बात को कहा कि हरीश रावत जी की उपेक्षा हो रही है। राष्ट्रीय महासचिव हैं, CWC के सदस्य हैं, असम के प्रभारी हैं, तो कैसे उपेक्षा हो रही है? मैं समझ नहीं पाया किस बात को लेकर उन्होंने इस बात को कहा है। अब वो निर्दलीय लड़ना चाहें तो अब ये तो उनका अपना निर्णय है। वो निर्दलीय लड़ना चाहे तो हम रोक थोड़ी सकते हैं, वो लड़े निर्दलीय। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में साल का पहला दिन अपराधियों के लिए मुश्किलें लेकर आया। दून पुलिस ने नए साल के पहले दिन ही शातिर अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 अलग अलग मुकदमों में 54 शातिर अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया। इन शातिर अपराधियों के खिलाफ संगठित अपराध के अलावा जनता में भय का माहौल उत्पन्न करने का भी आरोप है। प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, उनके अगेंस्ट में गैंगस्टर की कार्रवाई करें और इसी में जो हमारे थाने हैं उनमें 16 गैंगस्टर हमने रजिस्टर किए हैं। मेनली जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, जो इस तरह के क्रिमिनल हैं जो प्रॉपर्टी ऑफेंस में रहते हैं या शराब माफिया हैं, उस तरह के लोग हैं, उनको चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ गैंगस्टर का कार्रवाई किया है। काशीपुर से खबर है, यहां पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग हुई। आरोपियों ने एक युवक को गोली मार दी जिसके बाद घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। काशीपुर के कुंडेश्वरी चौक की ढकिया नंबर 1 की ये वारदात है। फिलहाल आरोपी मौके से फरार है। न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। शिक्षा विभाग ने स्कूल मान्यता के वायरल ऑडियो मामले में कार्रवाई की है। माध्यमिक शिक्षा संयुक्त सचिव कविंद्र सिंह को हटा दिया गया है। सीएम के आदेश के बाद शिक्षा सचिव ने एक्शन लिया है। कई और अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। वहीं शिक्षा सचिव के एक्शन के बाद अधिकारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है।